मोहम्मद मोहसिन। अच्छा मैंने सोचा चलो यार देर से सही लेकिन कुछ मजाक मस्ती के लिए वीडियो ही बना ली जाए। खैर मेरे साथ मौजूद है मेरी क्लासमेट आमना शाहिद। चलो उनसे चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, आगे क्या करना है, थोड़ी मजाया मूड में। अच्छा तो खैर आमना शाहिद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा है आपको शायद, माशाल्लाह जी। अच्छा खैर मुझे बताएंगे आप यूनिवर्सिटी कैसे आई? मैं यूनिवर्सिटी बस से आती हूँ, चाचा से आती हूँ या कभी अब्बू भी छोड़ देते हैं। नहीं नहीं मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका यूनिवर्सिटी तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा यूनिवर्सिटी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है और रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जो है मैं सारा रास्ता गाना सुनते हुए गुजारती हूँ, गाने सुनते हुए गुजारती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ मैं तो रास्ते में। मतलब समझ में नहीं आया मुझे, आप क्या? बहुत से लोग भी आते हैं, गाना भी सुनती हूँ। चले खैर चले समझिए, आपकी यूनिवर्सिटी में आप बस से भी आती हैं, चिंकी से भी आती हैं, कभी आपके वालिद साहब भी आपको छोड़ देना। अच्छा मुझे बताएं, मैं ख़ुद भी एक फार्मासिस्ट हूँ, मतलब होने वाला हूँ, लेकिन मैंने एक लैब कोट तो वेयर नहीं किया हुआ, आपने क्यों वेयर किया हुआ? पहली बात तो मुस्लिम साहब ये लैब कोट नहीं है, ये है हमारा व्हाइट कोट। अच्छा व्हाइट कोट होता है वो जी, वो कलर से दिख रहा है कि व्हाइट है, इसके अलावा बताएं आप। ये जो व्हाइट कोट होता है ना ये मेडिकल स्टूडेंट की निशानी होती है। तो मतलब मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ? ये तो आप अपने आप से पूछे ना भाई, मतलब मुझे बात बताएं, जरूरी है कि मेडिकल का स्टूडेंट दिखने के लिए, मेडिकल स्टूडेंट दिखने के लिए लैब कोट वेयर करूँ? मतलब यूनी कॉरिडोर में, बस स्टॉप पे, डाइनिंग टेबल, यहाँ तक के कहीं शॉपिंग भी मेडिकल स्टूडेंट की लड़कियाँ जाती हैं तो वो वहाँ पर भी लैब कोट वेयर करते हैं। मतलब इस लिहाज से ही वही तरीका, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा, मैं तो खुद लैब कोट का बंदा हूँ। ड्रेसिंग करके निकलते हैं फिर हम वो पूरा थ्रू आउट वेयर ही करके रहते हैं ना, अब क्या मतलब है? अगर मैं जो है यूनिवर्सिटी से निकल के कहीं शॉपिंग पे जा रही हूँ तो क्या मैं बीच रास्ते में लैब कोट उतार के कहाँ रखूँ? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो भाई जहाँ हम वेयर करके घर से निकलेंगे तो वही थ्रू आउट पहनेंगे। अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं शायद आपका। खैर भाई एक बार एंड में याद रख लो, सही है, औरतों से कभी नहीं जीत सकते।